टीकमगढ़ शहर के नजरबाग मैदान में बागेश्वर धाम सरकार की 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा के पहले दिन शहर में गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ऐतिहासिक कलश यात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। भगवान राम दरबार की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। प्रताप ईश्वर महादेव मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो शहर के चौक चौराहों से होते हुए मुख्य बाजार से होते हुए नजरबाग मैदान पहुंची। कलश यात्रा में बुंदेलखंड के कोने कोने से आए हुए भक्तों ने शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। बुधवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान 5 जनवरी से 11 जनवरी तक कथा का आयोजन के साथ 2 दिवसीय दिव्य बालाजी दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार भक्तों की अर्जी स्वीकार कर उनके दुख दर्द और निदान के तरीके बताएंगे। बालाजी दरबार में बुंदेलखंड के अलावा मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भक्त पहुंचेंगे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। टीकमगढ़ के नजरबाग प्रांगण में है, यहाँ बागेश्वर धाम का एक वो प्रोग्राम चल रहा है जिस भागवत का प्रोग्राम है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए और बागेश्वर जी महाराज का आशीर्वाद लेने देखने को मिल रहा है कि इधर बहुत श्रद्धालु लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि ये पहला समय है टीकमगढ़ में कि इस तरीके से कोई भागवत वो शुरू हुई है और बागेश्वर महाराज के पास बहुत सी लोगों को आस्था है, इस वजह से सब एक साथ होके बागेश्वर महाराज जी के दर्शनों के लिए और उनकी भागवत का आनंद लेने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। इस समय हम आपसे कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। दादाजी आप कहाँ से आए? हम यहीं के हैं, राजमहल रोड के। ये भागवत जो हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें सबको सहयोग करना चाहिए जी, और सबको आदि हृदय से सबको लगाव रखना चाहिए इससे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको बहुत प्रशंसा हो रही है, इतना लग रहा है जैसे वैकुंठ में आ गए सब जी। और एक भाई साहब और मेरे साथ हैं, इनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इधर एक धार्मिक उसमें ये धर्ममयी हो गया है सब। और धाम की कृपा है। आप सुन नाम क्या लिखते हैं? रविंद्र कुमार रावत। आप कहाँ से आए हैं रावत जी? यही टीकमगढ़ से हैं जी। कैसा महसूस कर रहे हैं इधर आज? यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जी, धर्ममय भगवान की ऐसी कृपा है जो जो यहाँ पर जो भगवान ने इनके द्वारा यहाँ को बुलाया गया है। बागेश्वर धाम की ऐसी कृपा है, टीकमगढ़ आज धर्ममय हो गया है। आज हम लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है और जनता जनार्दन जितने संत आए हैं उनके उनका आशीर्वाद है इस नगरी पर, ऐसा हो रहा है। चलिए, और मतलब ये सब व्यवस्थाएं आपको बहुत अच्छी लग रही है, इधर जो व्यवस्था हुई है वो कैसी है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो भगवान की दरबार में बहुत अच्छी व्यवस्था है, यहाँ सब अच्छा है। चलिए अब आपको एक बार दिखाते हैं इधर से कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इनका एक अपना वो है, टीकमगढ़ में इस समय सबसे महत्वपूर्ण वो है और कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए यह भागवत होती है। एक मिनट बहन जी से बात करवाते हैं। बहन जी एक मिनट, ये भागवत कथा जो हो रही है आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा। कहाँ से आई हैं? टीकमगढ़ से, ढोंगा नूतन बिहार कॉलोनी। नूतन बिहार कॉलोनी से। ये जो माहौल बना हुआ है एक धार्मिक माहौल है बागेश्वर महाराज के लिए, इसमें हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।